नगर निगम अंतर्गत 28 नंबर भंडारीडी पासवान टोला के लोगों ने गुरुवार को एक परिवार के लोगों पर सार्वजनिक कार्य मंडा के जीवनोद्धार कार्य में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित आवेदन पचम्बा थाना में दिया है। आवेदन में बताया गया कि भंडारीडी पासवान टोला में कई वर्षों से स्थापित एक सार्वजनिक काली मंडा है। इस मंडा में पूरे ग्रामीणों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। सभी के सहमति से चंदा एकत्रित कर 2-3 साल से मंडा के जीवनोद्धार को लेकर काम लगाया जाता है, लेकिन यहीं के निवासी जमीनी देवी, उनके पुत्र सेठी पासवान, संजय पासवान और गोली पासवान द्वारा निर्माण कार्य को तोड़ दिया जाता है और बाधा उत्पन्न किया जाता है। इसको लेकर पहले भी थाना में आवेदन दिया जा चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह पहले भी निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया था। थाना में जब आवेदन दिया गया तो जांच के लिए इंस्पेक्टर पहुंचे थे और निर्माण कार्य चालू रखने को कहा था, लेकिन एक बार फिर आज निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया। बताया गया कि मां और पुत्र उक्त जमीन को अपना बताकर कब्जा करना चाहते हैं। के वार्ड नंबर 20 28 नंबर भंडारीडीह में हम लोग हैं। यह पूरा बस्ती पासवान जी लोगों का है और यहाँ पर एक काली मंडा है जहाँ सैकड़ों वर्षों से यहाँ के सभी लोग जो है श्रद्धापूर्वक पूजा करते आ रहे हैं। यह जमीन शिशियल के क्षेत्र में है और एक जो है यहाँ पर सेठी पासवान है, उनकी माता जी है चमनी देवी, जो बार बार ये लोग जो है, पहले ये खुला स्थान था जहाँ पूजा होती थी, गांव लोग के लोगों ने एक कपा आपस में सहयोग राशि जमा कर करके इसको एक मंडप बना रहे थे, इसमें दीवार जोड़ रहे थे। अभी दीवार जो है हम उसी स्थल पर देख रहे हैं, लिंटल स्तर पर ये लोग काम कर दिए, लेकिन सेठी पासवान इसको तीसरा बार आज पुनः जो है 3-4 फीट जो है दीवार को तोड़ दिया है। इस संबंध में बरसों से ये लोग पचम्भा थाना में आवेदन देते रहे हैं, वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशांत सिंह आए, इन्वेस्टिगेशन किए, स्थल देखे, सही पाए और उनके आदेश से ये लोग पुनः काम शुरू किया था, जो आज सेठी पासवान तोड़ दिया। और पूरे गांव हम देख रहे हैं, अभी यहाँ सैकड़ों पुरुष महिलाएं इस गांव की यहाँ पर खड़ी है और सिर्फ एक आदमी इस तरह का जो है हरकत कर रहा है। अभी हम पचम्भा इंस्पेक्टर साहब से बात किए, उनको अवगत कराए, कहीं वह व्यस्त हैं, मैंने उनसे बताया ये बिल्कुल सरासर नजायज है, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध होगा इस पर त्वरित कार्रवाई करके उस सेठी पासवान के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कुछ व्यवस्था बताया कि जो है यहाँ हम पुलिस पदाधिकारी को भेजेंगे और साथ ही मैं यहाँ के जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी नाजायज कर रहा है उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई होगी और उनकी हरकत बंद होगी। ये माता का जो आज ये भवन है ये खड़ा होकर के रहेगा, मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ। यहाँ पर जो है सुरेश जी पासवान जी, भुवनेश्वर पासवान जी के विरोध केस भी इस केस के तहत कर दिया गया है। यहाँ के प्रतिष्ठित राजकुमार पासवान जी है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं सभी को यह आश्वस्त कर रहा हूँ कि धार्मिक स्थल पर न्यायपूर्ण जो है हक के लिए हम आपके साथ हैं। जय माता दी।